ओम शांति। 21/5/2023 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज 14/12/1994। समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार तीन बिंदी लगाना। समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार तीन बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा? तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया? बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं, ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं? खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूह रिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा।
तो बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनाते। बाप दादा कहते हैं कि ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो, और प्राप्ति के समय गे गे करेंगे। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए, सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है, तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक है, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल की टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो, मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गवाने का खाता ज्यादा होगा? ये तो गवाया। तो बोल में भी गवाने का खाता ज्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो। तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूपों की प्राप्ति है। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्ष के रूप में,
दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से। और तीसरा है वरदान के रूप में, वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंधों से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकुर से कहते हैं बाप मेरा है, ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आते हैं ये समझते हो, तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख, कदम उठाओ, इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। हैं तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है, नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है? अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दे तो क्या नहीं हो सकता और कितने में हो सकता? तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है, अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो, शक्तियां एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी वहां विनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है? तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं, सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है? दो पैर या तीन पैर? दो पैर। दो पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ तो नहीं है ना? खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना?
मेले में ऐसी पालना और कोई की हो नहीं सकती। मेले देखे है ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है। सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको शॉलों की सौगात तो मिलती है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया। पहले स्वप्न में था, अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं। पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, वो तो होनी है। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे, सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी, तो क्या करेंगे? जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं हैं, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी? ये तो समझते हैं, हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतज़ार की घड़ियां भी प्यारी होती हैं। 1 साल के बाद आना है, 1 साल के बाद जाना है, ये इंतज़ार होता है ना। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है। और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा? फिर अलबेलापन आएगा? नहीं आएगा, और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के तो हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती। हर साल में आपके यहाँ मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक किया तो बहुत कर लिया। और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है? इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने के स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं? अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजाना, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी से सब सहज चल रहा है ना? मेला चल रहा है या खेल चल रहा है? संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है। और सब ठीक है? तलहटी में 2 टर्न का सोचा है। पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, चाहे मधुबन पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती। जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है, तो बाप को तो तन में ही आना है ना। बस संगम पर करना ही क्या है? मेला और खेला, सेवा है खेल। मेला मनाओ, सेवा का खेल करो, और क्या करना है? खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, वरदान बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भव।
जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन, बीती को पास करके बाप दादा के पास समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास करके बाप दादा के पास समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्वशक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि आप दृष्टि।